हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे केले की पूरियां। तो उसके लिए हमने यहाँ पर दो केले लिए हैं। ये केले को ज़्यादा ही पक गए थे, इसलिए हमने सोचा कि चलो इसकी पूरियां बनाई जाए। तो सबसे पहले हमने इनको काट दिया है। मैश 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 करेंगे। एक कप व्हीट फ्लावर, तो हमने डाल दिया इसमें गेहूं का आटा। डालिए हमने इसमें पीसी हुई चीनी, इलायची पाउडर, मच पीसे हुए बादाम। वेल, आपको पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, इसीलिए आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए आप थोड़ा थोड़ा इसमें आटा डालते रहें। तो देख सकते हो गाइस, हमारा डो बन गया है। अब तो इसको तेल के साथ मिक्स करेंगे, ये डो सॉफ्ट और शाइनी हो जाए। गाइस, अब हम इसकी एकदम रोटी की तरह एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे, और विद द हेल्प ऑफ कटर या तो फिर गिलास या कटोरी की हेल्प से आपको जस्ट इसको शेप देनी है। आप देख सकते हो, और आपको एक्सेस निकाल देना है। इनको हम फ्राई कर लेते हैं। ये सब तो कितना अच्छा कलर आ गया है अभी में, और ये अब रेडी है। तो ये हमारी केले की पूरियां बनके तैयार है। तो खाओ पियो, इंजॉय करो।